खरगोन पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार पुलिस ने नकबंजी घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से तकरीबन 6 लाख रुपए कीमत के सोना चांदी के जेवर बरामद किए हैं। हम आपको बता दें कि चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छिटिया गांव में गत दिनों दो दंपतियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था और सुना मकान पाकर चोरों ने लाखों के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। लिहाजा पुलिस ने टीम गठित की और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में दो लोगों को बिलाली पेट्रोल पंप से पकड़ा, जिसके पास चोरी का मशरू का जब्त किया। वहीं सघन पूछताछ में कुल 4 लोगों को राउंडअप किया, जिसमें विधिवत 6,15,000 के आभूषण जब्त हुए हैं। बहरहाल चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिसमें बड़े खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मंगलसूत्र मिला, कदोरा मिला और कुछ चांदी के आभूषण मिले। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। जब उनसे और लगातार कल पूछताछ की गई तो उनके द्वारा फिर बताया गया कि वो लोग दो नहीं 4 थे और इन 4 लोगों ने मिल करके और ये पिंचिया के राकेश जायसवाल के घर ये नकबजनी की वारदात की थी और ये वारदात के दौरान इनको लगभग 6,15,000 का जो है सोना चांदी और मशहूर का जो है वो इनके द्वारा अपहृत किया गया, जिसे पुलिस ने ताबड़तोड़ रात में ही उन दोनों आरोपियों को भी हिरासत में लिया, उनसे माल बरामद किया और बरामद करने के बाद आज इनको कोर्ट में पेश किया गया। आज पेश कर रहा बिल्कुल खरगोन जिले में थाना चैनपुर अंतर्गत ग्राम टिंचिया में 8 और 9 की दरमियानी रात में नकबजनी की घटना हुई थी। चूँकि घर के जो स्वामी हैं दोनों दंपति कोरोना पॉजिटिव होने से खरगोन हॉस्पिटल में भर्ती थे, बच्चे उनके चाचा के घर चले गए थे और इस सुने मकान का लाभ लेकर संदिग्ध आरोपियों द्वारा उसमें अटेम्प्ट किया और उनके द्वारा जो है बड़ी मात्रा में जो है सोने और चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया गया। और इस घटना पर हमारे पुलिस महानिरीक्षक इंदौर श्री हरिनारायण चारी मिश्रा साहब और हमारे DIG तिलक सिंह साहब और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान साहब द्वारा टीम गठित की गई और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भीकनगांव, हमारे थाना प्रभारी चैनपुर रॉबर्ट देवाल साहब और सब इंस्पेक्टर सुदर्शन, सब इंस्पेक्टर दीपक यादव, पूरी टीम द्वारा जो है एक साथ लग के और आरोपियों की तलाश की। तलाशी के दौरान बिलाली पेट्रोल पंप के पास दो आरोपी जो है वो माल को बेचने की नियत से इंदौर जाने का प्लान बना रहे थे, उनको घेराबंदी कर धरपकड़ की गई। उनसे सोने का मंगलसूत्र और चांदी के अन्य जेवरात कुछ बरामद किए। जब उनसे और सख्त पूछताछ की गई तो दो अन्य आरोपियों के नाम बताए और वो दो अन्य आरोपियों को भी रात्रि में हमारी टीम द्वारा धरपकड़ की गई, उनसे पूछताछ की गई तो उनसे पूरा जो सोने चांदी के जेवरात थे जो चोरी किए थे वो बरामद किए हैं। लगभग 6,20,000 का जो है सोने चांदी का जेवरात जो उनने चोरा था पूरा बरामद किया गया, आरोपियों को राउंडअप किया गया है और अब उनको इन्वेस्टिगेशन में लिया जाकर उनका रिमांड भी लिया जा रहा है। ग्रामीण इलाके में चोरी हुई थी, किस प्रकार से रेकी करके चोरी की गई या कहाँ के आरोपी? ये आरोपी जो है वो 4 आरोपी हम लोगों ने राउंडअप किए हैं, इसमें दीपक, अरुण, हरपाल और राजेंद्र 4 लोग हैं। ये सिंगुन के रहने वाले हैं और अमूमन ये लोग सिकलीकर लोग हैं। ये लोग ताला चाबी का भी व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग अन्य लोहे का सामान का भी व्यवसाय करते हैं और इसी बहाने ये लोग रेकी कर ऐसे मकान पे निगाह रखते हैं जो सुने मकान है, ताला लगे हैं और रहवासी हैं और इस तरह से इनके द्वारा रेकी करके ये वारदात की गई। बाकी इनसे अनुसंधान में पूछताछ की जाए। सर अन्य जगहों पे कोई वारदात इसमें से एक जो आरोपी है उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का प्रकरण पाया गया है और चोरी के अन्य मामलों के संबंध में अभी पुलिस रिमांड में हम पूछताछ करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।